हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे जाके अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप लोग बहुत सही हाथ में। हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं, होपफुली आपको वहाँ पे फायदा होगा। तो गाइस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इस शेयर के बारे में भी काफ़ी हाइप बनी हुई है, शेयर काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। बाकी इसका 52 वीक हाई 44 रुपीज़ है और अभी 15.90 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ से इसने अप ट्रेंड मार चुका है यहाँ पे। और आप देख लीजिए 1 वीक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, 16.25 तक पहुंचा था जो कि काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया था। और अभी ये क्या करेगा, लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर वन डे का हम टर्म देखेंगे तो प्लस 0.60 तक रीच हुआ है और फिर इसके अंदर छोटे छोटे फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। तो गाइस फ्यूचर इसका ऐसा रहेगा, अगर ये 15 रुपीज़ के आसपास हमें मिलता है तो हम इसे बाय कर लेना चाहिए। ये फिर से 15 के पास जाएगा ही जाएगा, जो इसके चार्ट शो कर रहे हैं, टेक्निकल फैक्टर्स यही शो कर रहे हैं कि 15 रुपीज़ के आसपास ही जाएगा। बाकी इसके अंदर अर्निंग करने वाले डेली इसके अंदर अर्निंग कर लेते हैं, एक डिलीवरी के साथ भी अर्निंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जिसने 15.20 पे अच्छी खासी क्वांटिटी बाय रेस की होंगी और 15.90-16 यहाँ पे आके उसने अपनी सेल कर दी होंगी। तो अभी इसके अंदर हमें यही करना है, 15 के आसपास ही शेयर आते हैं हमेशा बाय कर लेना है। और ये फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल इसका दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 17 से 18 रुपीज़ तक अभी जा सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर या फिर इस मंथ के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके अंदर विजिट करिए, इसके बारे में देखिए और इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में एक बार सोचिए। मैं कोई आपको एक दावे के साथ नहीं कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, मेरे को किसी का पैसा फंसाने की कोई भी वो ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ जो इसके टेक्निकल फैक्टर शो कर रहे हैं, मेरा कम एडवाइस देना है। आप अपने पर्सनल एडवाइसर से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। बाकी जो इसके फैक्टर शो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 15 रुपीज़ के पास अगर आप इसे बाय करेंगे, ये फिर से अभी डाउन जाएगा और 15 के बाद ये सिर्फ डायरेक्ट 17 से 18 तक जा सकता है, जो इसके टेक्निकलिटी फैक्टर शो कर रहे हैं। गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। शेयर के बारे में कोई डेफिनेटली यू न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। और चैनल पर बने रहिए, वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। या कोई दूसरे शेयर के बारे में पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।